अरे आराम से यार, चले ला है। बिजनेस डील करने आए हो? सीधा बैठ। बिजनेस ही तो है, तू बेच मैं खरीदता हूं, बोल कितने में डील नक्की करना है। सिंगल पेमेंट? हाँ, ऐसे कैसे देख रहा है मुझे? जानता हूं तुम सबको, आते हैं ना सब मेरे पेट्रोल पंप पे फोकट का पेट्रोल भरवाने। और क्या साहब, एक साली लड़की के गवाही पे मुझे अरेस्ट किया ना, है? एक ऐसा फोन घुमाऊंगा ना अभी। साले, तेरे बाप का नौकर हूं क्या? एसीपी विजय खन्ना, एसीपी विजय, विजय स्टॉप इट, छोड़ दीजिए, मर जाएगा सर। अरे क्या कर रहे हैं आप सर, छोड़ दीजिए उसे। अरे सर छोड़ दीजिए सर। आए साइड, स्टॉप इट। क्या कहता है? In my office. सर, अगर मैं नहीं रोकता तो उसकी जगह तुम जेल में सड़ रहे होते। लेकिन सर, नो गॉड डैम एक्सप्लेनेशन। मैं कमिश्नर हूं, तुम्हारा टीचर नहीं, जो तुम्हें डिसिप्लिन और तुम्हारी लिमिट्स पर लेक्चर देता रहूं। आइंदा अगर ऐसा हुआ तो आई विल बी द फर्स्ट वन टू पुट यू ऑफ दिस केस। यू गेट इट? यस सर। नो आई डोंट थिंक यू डू। आज शाम तुम गणपति विसर्जन की ड्यूटी पर जाओगे। लीव सर। सर, भाभी जी आई हैं। आइए भाभी जी। ओफ ओ प्रेम, वन टाइम आई वेयर इंडियन एंड ही कॉल्स मी भाभी जी। क्या कर रही हो? विटनेस होकर खुले आम घूम रही हो? ओ एक्सक्यूज मी, मैं अपने मिसिंग पासपोर्ट का FIR फाइल करने आई थी। तुम तो हेल्प करने से रहे, लेकिन मैं तुम्हारी तरह सेल्फिश नहीं, मैं खाना लाई। खुशबू जोरदार है, क्या होगा इसमें? देखता हूँ, देखता हूँ। देखो देखो। स्टार्टर है, मेन कोर्स नीचे होगा ना? खाने लायक तो कुछ है ही नहीं। सर, आपको डाइटिंग की क्या जरूरत है? इनके घर पे सिर्फ इतना ही था, वो तो अच्छा है मुझे पकाना आता है, वरना तुम तो भूखे रह जाते। हैं? सर आपके घर ये कब से? माला, मैंने कहा था ना तुम्हारे पासपोर्ट का मैटर मैं हैंडल कर लूंगा, यहाँ क्यों आई? वो लैपटॉप भी नहीं था, डीवीडी प्लेयर भी नहीं था, केबल टीवी भी नहीं था, तो मैं बोर हो गई। बोर हो गई? ये पुलिस स्टेशन है तुम्हारे? पापा पे मत जाना। हाँ, मतलब ये तुम्हारा पिकनिक स्पॉट नहीं है। प्रेम। हाँ सर। इसको छोड़ो। कहाँ छोड़ना है सर? आप बोलिए कहाँ छोड़ना है, मैं छोड़ दूंगा सर। नहीं नहीं, मुझे पता है, मैं चली जाऊंगी। ओके बाय, टिफिन ले आना। सर, सर भाभी जी गई। अकेले जाएंगी सर, मैं छोड़ा हूं। मैं भी चलता हूँ। जस्ट गेट आउट फ्रॉम हियर। रुको रुको रुको। मैडम, सर ने आपको घर छोड़ने के लिए गाड़ी भेजी है, आइए। विसर्जन ड्यूटी पर हूं। गणेश जी खुद विघ्न हर्ता है, उन्हें पुलिस प्रोटेक्शन की जरूरत नहीं है। पर मैं, वो लोग जानते हैं त्योहार के दिन पुलिस बिजी होती है, इसीलिए मूवमेंट करते हैं। पर मडालन मेरी ज्यूरिसडिक्शन के बाहर है। तुम्हारे लिए ये टिप होगी, लेकिन मेरे लिए ये स्कूप है। देखो, साठे के बाद तुम एक भरोसे के आदमी लगते हो, इसलिए तुमको इंफॉर्मेशन दे रहा हूं। टेक इट और लीव इट। Oh,
कल भाषा समझ नहीं आई भाषण सर, पर मेरे पास इन्फॉर्मेशन थी। गली के हर नुक्कड़ पर एक चरसी गर्दुल्ले के पास इन्फॉर्मेशन है, उनको भी फोर्स में शामिल कर लूं। ये सिस्टम प्रूफ पर चलता है, इन्फॉर्मेशन पर नहीं। हमारा सिस्टम चलता नहीं, रेंगता है। मैं खिसने के लिए तैयार हूँ, खिसकर चलने के लिए नहीं। उससे बात करने की आदत खत्म हो गई थी, लगता है फिर कर रहा हूं। 15 साल पहले मैं यही विजय था, इसलिए नहीं चाहता हूं कि तुम फिर उन्हीं चीजों से गुजरो जिनसे मैं गुजर चुका हूं। सर, उस डर से काम करना नहीं छोड़ सकता। अगर डिपार्टमेंट ही छूट गया फिर यह दिलेरी किसे दिखाओगे? मेरे पास तुम्हारे प्रमोशन और सस्पेंशन दोनों के रिकमेंडेशन अथॉरिटी है। ये मत सोचना कि अगर पहले की सिफारिश करते हुए मुझे फक्र होगा तो दूसरे की सिफारिश करते हुए हिचकिचाहट। गॉट इट? यस सर। हैप्पी बर्थडे। ओके, तो तुम इसलिए अपसेट हो क्योंकि तुम्हें लग रहा है कि मुझे इतना बड़ा नेशनल सीक्रेट कैसे पता चला? मेरे अमर प्रेम आए थे विजय, मेरे अमर प्रेम आए थे। ओके फाइन, आज रात को मैं तुम्हें डिनर पे कहाँ लेकर जाऊँ? लिसन माला, लिसन टू मी, दुनिया में सिर्फ मेरा ही बर्थडे नहीं है आज। एंड प्लीज स्टॉप एक्टिंग लाइक माय वाइफ। मैंने तुम्हें अपने घर में जगा दी है, अपनी लाइफ में नहीं। प्लीज लीव मी अलोन। किस बात की खुशी मनाओ? आज के दिन मेरे पेरेंट्स का मर्डर हुआ था। ₹500 के लिए शायद उन्हें मार दिया। रिश्तेदारों में सिर्फ चाचा थे, इंस्पेक्टर थे, अपने साथ हैदराबाद ले गए। He raised me, स्कूल भेजा। वहां बच्चे पूरे साल अपने बर्थडे का इंतजार करते थे और मैं अपने बर्थडे के दिन ही एब्सेंट रहता था। बहुत कोशिश की अपने यादों से भागने की, हमेशा हरा देती हैं।
I'm so sorry, Vijay. It's okay. तुम्हारी यादों को तो नहीं, पर शायद तुम्हारे अकेलेपन को मैं हरा पाऊं. I promise. The only memories we'll have now will be the good ones. I'm sorry. अमर, हाँ, हम लोग सदानंद को भी इसी रास्ते से लेकर गए थे ना? वो रेप केस वाला जो कबूल नहीं कर रहा था, वही ना? हाँ हाँ वही. गाड़ी भी यही थी, साला ऐसे अकड़ कर बैठा था जहाँ कटारिया बैठा है. देख 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 कैसे खुन्नस दे रहा है. देख, नहीं 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 सर, मैं खुन्नस नहीं दे रहा हूँ, मेरी शक्ल ही ऐसी है. सदानंद भी यही बोला था और फिर साहब ने चमाट भी ऐसे ही मारी थी. अरे पुलिस वाले को मार कर हथकड़ी की चाबी छीन ली, ऊपर से पुलिस वाले को मारता है. क्यों, क्या कर दिया तूने? सदानंद भी यही बोला था, पर साहब को भरोसा करने की आदत नहीं है. उनको गुस्सा आया और फिर, अरे हाँ, फिर क्या हुआ था अमर? सर परसों सदानंद की हाजिरी है कोर्ट में. क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे? पुलिस वाले को मार कर भाग रहा था, साहब ने उसको ठोक दिया. अरे वही जगह पे गाड़ी रोक दी. क्या जजमेंट है ड्राइवर का यार. अरे अरे हाँ, फर्क यही है कि सदानंद को ये करने का टाइम भी नहीं मिला. कांस्टेबल गाड़ी घुमाओ. डेपो से टैंकर निकलते ही उसे चुरा लिया जाता है. हर दिन हर टैंकर से कम 200 लीटर की चोरी होती है. उस पेट्रोल में हम केरोसिन और नाप्ता की मिलावट करते हैं और इसके बाद जो मिक्स्ड पेट्रोल है उसे हम इंडस्ट्री और नल्ले पेट्रोल पंप पर बेच देते हैं. ऑयल माफिया की चोरी सिर्फ टैंकर्स तक सीमित नहीं, इनका काला बाजार समंदर से भी गहरा है. ऑयल माफिया इसे पानी काम बुलाता है. जो बड़ी शिप्स रिग्स और रिफाइनरी से तेल ट्रांसपोर्ट करती हैं उन्हें एक पॉइंट पर रुकना पड़ता है जिसे ब्रावो एंकरेज कहते हैं, मुंबई हार्बर से 20 मील दूर. उससे आगे पानी गहरा नहीं होता इसलिए छोटे ट्रांसपोर्टर्स उन्हें आगे ले जाते हैं. ऑयल माफियाज की मर्चेंट नेवी के कैप्टन्स के साथ अंडरस्टैंडिंग होती है. शिप के ब्रावो एंकरेज तक पहुंचते ही वो माफियाज को अलर्ट कर देते हैं. अगर कोस्टल गार्ड का पहरा सख्त हुआ तो छोटे जहाज सीधे अलीबाग की तरफ भेज दिए जाते हैं और फिर इंतजार सही टाइम का. जो टग्स ये ऑयल पोर्ट तक कैरी करते हैं वहां पहले से ही टैंकर्स रुके हुए होते हैं. यू नो प्लेसेस लाइक वड़ाला, एंटॉप हिल, कुरला, वहां से इंडियन ऑयल नगर, तलोजा, शिवाजी नगर, देवनार, यहां तक के स्टेट के बाहर भी ये ऑयल स्मगल होता है. रास्ते में नाकाबंदी या छापे से बचने के लिए टैंकर्स के ड्राइवर्स को जाली बिल्स दिए जाते हैं. ज्यादातर केसेस में पुलिस का हिस्सा भी तय होता है. अंडरवर्ल्ड के एक सोर्स के मुताबिक लॉटरी तो शायद ही लगती है पर ऑयल स्मगलिंग में रातों रात अमीर बनने की 100% गारंटी है. सिर्फ 12 रुपए में खरीदा हुआ डीजल माफियाज पेट्रोल पंप्स को 18 से 20 रुपए में बेचते हैं. सब जोड़े तो पूरा नेक्सस सालाना 1000 करोड़ रुपए का टर्नओवर करता है.